हेलो फ्रेंड्स, आज ना मैंने शेयर की है केक के क्रम से पुडिंग। तो यहाँ सॉस पैन में एक गिलास पानी लिया है और इसमें ऑरेंज जेली को डाल देंगे और इसे एक मिनट पकाएंगे। तो ये हमारी ऑरेंज जेली क्रिस्टल रेडी हो गई है, फिर इसे साइड पे रखेंगे। और यहाँ मैंने लिए है केक के क्रम्स, जो नॉर्मल प्लेन वेनिला केक आता है उसी के सारे क्रम्स लिए हैं। तो उसे हम फैला देंगे नीचे और थोड़ा सेट कर लेंगे। और यहाँ ना मैंने सिंगल सर्विंग करने के लिए ग्लास भी यूज़ किया है। आप कटोरी, ग्लास, बाउल कुछ भी यूज़ कर सकते हो। तो ग्लास में भी हम ऐसे ही केक के क्रम्स डाल देंगे, सभी के सब डाल देंगे। और जो जेली रेडी की है वो उस पर पोर करेंगे, ताकि ना जेली का ऑरेंज फ्लेवर अच्छी तरह से केक में आ जाएगा। और केक हमारा सोक भी हो गया है। बस इसे चम्मच से सेट करेंगे और इसे सेट होने के लिए, ठंडा होने के लिए साइड पे रख देंगे। और दूसरे स्टेप में मैंने 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर लिया है, उसी में 2 चम्मच ठंडा दूध भी मिलाया है और फिर मिक्स करके इसे भी साइड पे रख देंगे। और सॉस पैन में ज़रा सा पानी लिया है मैंने, 2 चम्मच जितना। और इसमें हम ना 500 ml मिल्क डालेंगे। पानी इसीलिए लिया है कि दूध ना तले में जले नहीं और चिपके नहीं, और दूध में अच्छा उबाल आ जाएगा। तो हम इसमें शुगर डालेंगे। यहाँ मैंने 5 चम्मच शुगर का यूज़ किया है, आप आपके टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो। ये शुगर अच्छे से घुल गई है, तो जो हमने कस्टर्ड का मिक्सचर रेडी करके रखा था दूध में, वो डाल देंगे और इसे 2 से 3 मिनट पकाएंगे। तो ये हमारा थिक कस्टर्ड भी रेडी हो गया है और जेली वाला मिक्सचर भी केक के साथ सेट हो गया है। तो इस पर ये पूरा फैला देंगे ग्लास में भी और बॉक्स में भी, और इसे ठंडा होने देंगे। और जो हमारे पास और केक के क्रम्स बचे हैं उससे ऊपर गार्निश करेंगे। बस तो ये हमारा केक पुडिंग रेडी है, बहुत ही बढ़िया है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। थैंक यू सो मच।